नमस्ते देवी सज्जनों, तो आपका स्वागत है दिगॉन टॉक्स में, जहाँ पर सिर्फ होती है ज्ञान की बातें। तो आज हम बात करने वाले एक नई मूवी के बारे में जिसका नाम है बुलेट ट्रेन। तो ये मूवी बेकार है या अच्छी, क्या ये मूवी देखने लायक भी है, तो चिंता मत करो मैं बताता हूँ। तो आओ यार, बिना किसी देरी के इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। है कि हमारा लेडीबग जिसका रोल ब्रैड पिट प्ले कर रहे हैं, कसम से क्या गजब का एक्टर है। तो हमारे लेडीबग के पास है एक सूटकेस जिसके पीछे ना जाने कौन कौन से गुंडा गुंडी मवाली और बड़े बड़े गैंगस्टर पड़े हैं। सारी कहानी सूटकेस के आगे पीछे ही घूमती है। बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं इस फिल्म के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा था। और मैं क्यों वेट कर रहा था, क्योंकि ये एक बेहतरीन एक्शन कॉमेडी मूवी है। और सच कहूँ तो मुझे एक्शन प्लस कॉमेडी प्लस ट्विस्ट वाली मूवीज ज्यादा पसंद है, और ये तीनों चीजें इसमें भर भर के थी। इसको एक्शन प्लस कॉमेडी मूवीज पसंद है तो हाँ, ये मूवी आपके लिए है। बढ़िया बात तो है इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है, अरे अपने डेविड लीच, उन्होंने ही डेडपूल 1 और डेडपूल 2 दोनों को ही डायरेक्ट किया है। मतलब आपको इस फिल्म में डेडपूल की थोड़ी बहुत वाइब आ ही जाएगी। और वाइब को तो छोड़ो, स्पॉइलर अलर्ट, डेडपूल का तो इसमें कैमियो भी है। अब वो है भी और नहीं भी, लेकिन है। अरे कहना क्या चाहते हो यार, ये सब छोड़ो, मूवी की स्टोरी के बारे में बताऊं तो मूवी की स्टोरी एकदम बेहतरीन और यूनिक वे में लिखी गई है। मूवी के एक्शंस को भले ही नॉर्मल रखा गया हो, लेकिन मूवी की स्टोरी और मूवी की कॉमेडी सीन्स आपको बेहतरीन मजे देंगे। कॉमेडी सीन्स की अच्छी बात यह है कि कोई भी जोक आपको फोर्सफुल या फिर एकदम ठोक देने वाला नहीं लगेगा। हर नेक्स्ट सीन में आप हंसेंगे, कई सीन्स में आप सरप्राइज होंगे, और एक दो सीन्स में आप इमोशनल भी हो जाएंगे, लेकिन आप फिर से हंस देंगे। इस फिल्म के सभी एक्टर्स, चाहे उनका रोल छोटा हो या बड़ा, क्या ही बेहतरीन एक्टिंग करी है सबने। सब अपने कैरेक्टर में एकदम फिट बैठ रहे हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। मुझे बस एक शिकायत है, वो है विलन से। उसको थोड़ा सा और डेंजरस बनाया जा सकता था, लेकिन ठीक है ठीक है। क्योंकि स्टोरी बहुत ही फास्ट फेस में मूव करती है, जिससे कि आप बोर नहीं होंगे। और इन्होंने हर कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी बताई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जिससे कि आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो इस वीडियो का अंत यहाँ पे आ चुका है, तो लास्ट में बस इतना ही बोलूंगा, ये मूवी एक बेहतरीन एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसको सिर्फ एक बार नहीं बार बार देखा जा सकता है। और मूवी में थोड़ा खून खराबा भी है, तो बच्चों के साथ नहीं देखे तो अच्छा है। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने लोगों के साथ। तो इस प्रस्तुति को यही खत्म करते हैं। तो चलिए, नमस्ते।